हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसी कार के बारे में जिसने इंडियन मार्केट में लॉन्च होते ही धूम मचा दी थी, अपने राइवल्स की सिट्टी बिट्टी गुम कर दी थी। क्या आप वो कार पहचान गए? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ होंडा अमेज के बारे में। ये वही कार है जिसने लाखों दिलों पे अपना राज कर रखा है। क्या मगर ये इतनी अच्छी है? आज दोस्तों मैं अपने रिव्यू में आपको इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की सारी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। उसके साथ में दोस्तों मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, और फिर हम गाड़ी चला के देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या ऐसा खास बात है या क्या कमी पेशी है कार में, क्योंकि कोई भी कार दोस्तों परफेक्ट नहीं होती है। तो चलिए आइए अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने मेरा ये वीडियो एंड तक देखा तो आपको होंडा अमेज के बारे में जितने सवाल होंगे वो मैं सॉल्व करने में काफी हद तक कामयाब हो जाऊंगा। तो चलिए आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। दोस्तों कंपनी हमें इसमें 1200 cc का इंजन प्रोवाइड करके देती है, जो कि 110 Nm टॉर्क का पावर जनरेट करता है। जितनी इंजन नॉइज है उसका 1-2% भी कैबिन में एंटर नहीं करता है। कैबिन इसका बहुत साइलेंट है। तो चलिए आइए इसका फ्रंट एक बार देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो इसका ये फ्रंट है, इसी फ्रंट ने लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। जिस तरीके से ये क्रोम का वर्क हो रखा है, बीच में होंडा की बैचिंग मिलती है, नीचे 2 फॉग लाइट्स के लिए प्रोविजन दे रखी है। मगर मैंने फॉग लाइट उसमें इसलिए नहीं लगवाई थी क्योंकि ऑलरेडी इसकी हेडलाइट की पावर काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट से अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके की इसकी बहुत प्यारी बुल की शेप आती है। इसी शेप ने इसकी बुकिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा करवा दी थी, बाकी तो होंडा का तो नाम है ही। अगर हम इसे साइड से मॉनिटर करें दोस्तों तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है, जो कि कंपनी ने बहुत बेहतरीन खूबसूरती से इसको बनाया है। इसकी एक चीज मुझे थोड़ा सा वो लगता है, खराब लगती है, कि अगर आप देखेंगे तो 170 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। बट ये भी एक पॉजिटिव साइन की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि जितनी कार की ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी उतनी ही कार कंफर्टेबल होगी, और होंडा इस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है अपनी कार को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कंफर्टेबल बनाने में। दोस्तों चलिए आइए बैक और बूट स्पेस को एक बार मॉनिटर करते हैं। दोस्तों इसकी बूट स्पेस की अगर बात कर ली जाए तो 420 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है एक फैमिली को ट्रैवल करने के लिए। बूट स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो स्टेपनी और आपका टूल किट वगैरह सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड। अगर इसकी बैक को देखा जाए दोस्तों तो आप इसकी बैक की लाइट्स देखिए, कितनी खूबसूरती से प्लेस करी गई है कंपनी ने और बहुत ही अच्छी लगती है। इसका फ्रंट देखिए चाहे बैक देखिए, मगर होंडा के इंजीनियर्स ने इसको खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही एक मेजर रीजन है इसका बहुत हैवी बुकिंग्स के साथ में स्टार्ट होना सेल। चलिए आइए अब इसका एक बार हम ड्राइव इंप्रेशन लेते हैं, और ड्राइव करते करते मैं आपको दोस्तों ये बताऊंगा इसमें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। दोस्तों ड्राइव इंप्रेशन से पहले इसकी एक बार इंटीरियर की बात कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गाड़ी कुछ अंदर से इस तरीके की दिखती है। जो स्टीरियो है ये मुझे कार में ही आया था, म्यूजिक सिस्टम, इसके म्यूजिक माउंटेड कंट्रोल्स मुझे स्टीयरिंग पे मिलते हैं। ORVM की बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, जो कि ड्राइवर सीट पे आपको पूरी हैंडलिंग दे रखी है उसकी। पावर विंडोज की बात करें, चारों पावर विंडोज हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग बहुत खूबसूरत बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें आपको मेरे ख्याल से स्टीयरिंग कवर लगवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मोटाई भी काफी अच्छी दे रखी है और हैंडलिंग भी काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। ग्लोव बॉक्स की बात करें दोस्तों तो इतना साइज आपको मिल जाता है इसमें, ये देखिए इतना मिल जाता है, डिसेंट स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
बॉटल होल्डर्स की बात करें तो चारों डोर से आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। सिटिंग कैपेसिटी की बात करें, सिटिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है इसकी दोस्तों। अब आप एक बार जरा पूरे कंप्लीट डैशबोर्ड को एक बार ध्यान से देखिए। जो दोनों साइडों के एसी वेंट्स हैं वो थोड़े कंपनी ने नीचे प्लेस कर रखे हैं, और जो मिडल के जो दोनों एसी वेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट थोड़ी ऊपर कर रखी है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से प्लेसमेंट, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक लुक कंपनी ने इसमें देने की कोशिश करी है और कंपनी इस चीज में बहुत कामयाब हुई है। गियर बॉक्स की बात कर लें तो गियर बॉक्स वही कॉमन गियर बॉक्स है जो कंपनी हर कार में देती है, अपना होंडा जो है हर कार में देती है। नॉर्मल गियर बॉक्स है, कोई मैं इसको बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं कहूंगा और बहुत ज्यादा रफ भी नहीं कहूंगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करूं तो ये जो फ्रंट सीट है, ड्राइवर सीट है, ये मेरे ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से एडजस्टेड है। मैं 5'11" हूं और उसके हिसाब से ये एडजस्ट मैंने कर रखी है। अगर आप यहाँ पे जो लेग स्पेस देखते हैं तो ये मुझे इतना मिलता है, ये देखिए मुझे तकरीबन जो है इतना लेग स्पेस, बहुत अच्छा लेग स्पेस मिल जाता है। और अगर मैं साइड जो पैसेंजर के जो पीछे की सीट है उसके बारे में बात करूं तो उसमें दोस्तों और भी अच्छा मुझे लेग स्पेस मिल जाता है। तो दोस्तों आइए इसका ड्राइव इंप्रेशन स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को चला के देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पिकअप की। तो मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया है और मैं एक्सीलरेशन करता हूं। ओहो देखिए दोस्तों जिस तरीके से इसने एक्सीलरेशन करा है, लो आरपीएम्स पे इसका पिकअप अच्छा नहीं है, आपको कम से कम 2500 आरपीएम से ऊपर इसको लेके जाना पड़ेगा इसका अच्छा पिकअप लेने के लिए। और अगर आप 2500 आरपीएम से ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साफ साफ मतलब ये हो जाता है कि कार आपको माइलेज कम देगी। अगर हम गाड़ी की बात कर लें, जिस तरीके का जो ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के आगे जो बोनट है वो आराम से दिखता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसका आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जिस तरीके का आपको पता है कि अमेज का बोनट काफी लंबा है, तो अगर आपको थोड़ा भी बोनट दिखता है तो उससे आपको बेनिफिट ये रहता है कि छोटी मोटी गलियों में आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे पीछे लेने में, दाएं बाएं मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा विजिबिलिटी कंपनी ने कार में दे रखी है। बात कर लेते हैं इसके गियर बॉक्स की। गियर बॉक्स दोस्तों मैंने आपको बताया कि मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है इसका गियर बॉक्स, स्मूथ नहीं है। जो ऐसे कहते हैं कि भाई आपने एक उंगली भी लगा दी तो क्लच दबाया और गियर आगे मूव कर गया, ऐसा कुछ नहीं है इसका। थोड़ा सा मुझे हार्ड लगता है गियर बॉक्स, हो सकता है बहुत लोगों को ये गियर बॉक्स पसंद भी आता होगा, मगर मुझे पर्सनली ये गियर बॉक्स बिल्कुल पसंद नहीं आया है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी माइलेज की। माइलेज ये जिस तरीके की हमारी सिटी है वहां पे काफी जाम वगैरह रहता है, 11.5-12 मैक्सिमम 13, इससे ज्यादा तो कार बिल्कुल भी नहीं देगी। अगर आपका ट्रैफिक ज्यादा रहता है सिटी में और अगर आप थोड़ा सा क्लच को हार्ड प्रेस करके चलाते हैं कार, तो अगर आप हाईवे पे चलाएंगे तो ये नेचुरल सी बात है कम से कम 4-5 किलोमीटर का इंक्रीज कर जाएगी हाईवे पे माइलेज, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी की कंफर्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, कार बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। कंफर्ट में ये 10/10 अमेज स्कोर करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर बात कर ली जाए एसी वेंट की तो 4 AC वेंट ही दे रखे हैं, पीछे बैक सीट पे कोई अलग से उसके लिए एसी वेंट नहीं दे रखा है, बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि काफी स्ट्रांग एसी है। पूरी कार के कैबिन को अगर 5 बंदे भी बैठे होंगे, पूरी कार के कैबिन को बहुत अच्छे तरीके से काफी कम टाइम में ये कूल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं इसके टर्निंग रेडियस की। अभी इसको यू टर्न करके देखते हैं कि इसका टर्निंग रेडियस कितना है।
दोस्तों बहुत बेहतरीन, इसका 4.7 का टर्निंग रेडियस बहुत अच्छी तरीके से है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत छोटा टर्निंग रेडियस माना जाएगा इतनी गाड़ी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है टर्निंग रेडियस में। तो दोस्तों अगर इसकी बात करी जाए कि इस कार का सबसे ज्यादा मजा किस तरीके से है, दोस्तों मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये कार इतनी कंफर्टेबल है कि इसको सबसे बेटर एंजॉय आप तभी कर सकते हैं इसकी बैक स्पोक पे बैठ के आराम से और गाड़ी ड्राइवर चलाए, क्योंकि मुझे पर्सनली इसको चलाने में मजा नहीं आता है, क्योंकि इतना हार्ड एक्सेलरेटर इसका प्रेस करना पड़ता है इसकी पिकअप लेने के लिए, इसका रिवर्स गियर डालने पर भी अगर आपने क्लच को प्रेस करके और एक्सीलेटर कम प्रेस करा तो गाड़ी गड़ 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 थोड़ी सी करने लगती है, यानी कि थोड़ा सा आपको एक्सीलेटर हार्ड ही प्रेस करना पड़ता है हर चीज के लिए, तो वो चीज मुझे थोड़ा सा दिक्कत देती है, और जिसके कारण माइलेज ऑटोमेटिकली कम होगी ही होगी। तो ज्यादा बेटर यही है कि आप इसको एंजॉय करने के लिए दिस इज अ कंप्लीट एग्जीक्यूटिव पैकेज कार। एग्जीक्यूटिव पैकेज से मेरा मतलब है कि इसमें जितने सारे जो एग्जीक्यूटिव लेवल्स के लोग होते हैं वो अपना आराम से पीछे बैठ के जाते हैं, आगे ड्राइवर चलाता है, ये मतलब है। स्टीयरिंग की अगर बात कर ली जाए तो स्टीयरिंग काफी हार्ड है, मेरा मतलब ये है कि आप चाहे कार पार्क भी कर रहे हो तो जिस तरीके से हाथ में इस तरीके की मूवमेंट होती है कि फटाफट स्टीयरिंग घूम जाता है, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी स्टीयरिंग को घुमाने के लिए। तरीके से मैंने आपको पहले बताया था इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस कम है, तो ग्राउंड क्लीयरेंस कम होने के कारण ये कार कंफर्टेबल तो हो जाती है, बट इसका सबसे बड़ा एक नुकसान ये होता है कि जैसे ही कार थोड़ी सी हैवी लोडेड होगी, मतलब 4-5 पीपल अगर इसमें बैठे होंगे तो कार मैक्सिमम स्पीड ब्रेकर्स पे लग जाएगी, टक टक उसका नीचे का चेसिस जरूर लग जाएगा। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसकी इंश्योरेंस की नॉलेज भी जरूर दूंगा, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर 2020 में जब लॉकडाउन था तो चूहों ने मेरी गाड़ी में अच्छा खासा घर बना लिया था, उन्होंने सारी वायरिंग इसकी काट दी थी जिसके कारण गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, टूट टो करके मुझे शोरूम में भिजवानी पड़ी थी, खैर शोरूम वाले खुद ही ले गए थे, और इसका जो टोटल बिल बना था वो अराउंड बना था 50,000 से 60,000 के आसपास कुछ बना था, बट इन्होंने मुझे एक जीरो डेप इंश्योरेंस पॉलिसी दे रखी थी, मुझे कुछ उसमें नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ डिटेलिंग लिखनी पड़ी, बाकी सब इंश्योरेंस कंपनी वालों से इनका काम था, होंडा वालों का, इन्होंने अपने आप ही क्लेम कर दिया, मुझे 1,000-2,000 का खर्चा आया मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसके अलावा मेरे को कोई खर्चा नहीं आया इसमें। तो इंश्योरेंस के मामले में दोस्तों अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप 2,000-3,000 या 4,000-5,000 के ऊपर कहीं बाहर से इंश्योरेंस मत करवाइए, चाहे कोई सी भी कंपनी की कार हो, आप बिल्कुल कोशिश यही करिए कि अगर 4,000-5,000 या बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा है तो आप कंपनी से ही आप इंश्योरेंस, प्रिफर्ड पार्टनर्स इनके कंपनी के, हर कंपनी के प्रिफर्ड पार्टनर्स अलग अलग होते हैं, तो आप उन्हीं प्रिफर्ड पार्टनर से ही इंश्योरेंस ले तो ज्यादा बेटर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए, क्योंकि बाहर वाला भी अगर कोई आपको इंश्योरेंस का क्लेम दे, अगर कोई आपको बाहर वाला भी इंश्योरेंस का पैकेज देगा तो वो भी 4,000 या 5,000 का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दे पाएगा, बट ये छोटे मोटे डिस्काउंट पे जाने से अच्छा है दोस्तों जिस टाइम पे कार में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो 4-5 हजार नहीं, वो हजारों में पहुंच जाती है, और अगर गाड़ी ज्यादा डैमेज हो जाए तो वो लाखों में भी पहुंच सकती है, तो ज्यादा बेटर है थोड़े से हजार का लालच करे बिना आप कंपनी से ही इंश्योरेंस का प्रेफरेंस दें, वो अच्छा है, क्योंकि मैंने आज तक कंपनी से इंश्योरेंस का प्रेफरेंस दिया है, मेरे को आज तक किसी मामले में कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर दोस्तों मैं इसकी सर्विस कॉस्ट की बात कर लूं तो सबसे पहले तो ये होता है कि सर्विस आप किसी भी कंपनी की ऑथराइज सर्विस सेंटर से करवाएं, थोड़ा सा जागरूक आपको उसमें होना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेंटर्स पे आपको बिना बात के इधर उधर की चीजें वो आपको बिल में लगा के जरूर देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो सारी चीजें ऑप्शनल होती हैं,
एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे जब भी मैं अपनी कार सर्विस कराने जाता हूँ तो वो कहते हैं सर एक नया वो आया है, पैकेज आया है, आप ड्राई क्लीनिंग का पैकेज ले लीजिए, आप ये पैकेज ले लीजिए, आप वो पैकेज ले लीजिए, ये सब ऑप्शनल लगा लगा के वो 20-25 हजार तक का बिल पहुंचा देते हैं। बट तब मैंने उनको ये कहा कि ड्राई क्लीनिंग और इन सब चीजों की तो वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जब इतनी हीट होती है, जब कार चलती है तो उसमें वैसे जर्म्स नहीं होते हैं। जर्म्स का ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ ले आते हैं, ये कि इंटरनल में जर्म्स का ट्रीटमेंट के लिए ये लगवा लो वो लगवा लो, ये सब बेकार की चीजें होती है। अंडर बॉडी के लिए पेंट ले आते हैं कि आप अंडर बॉडी पे आप पेंट करवा लीजिए, आपकी गाड़ी में रश नहीं लगेगा। अरे यार, लोगों लाख लाख दो दो लाख किलोमीटर चला देते हैं कार बिना पेंट कराए, उसमें तब भी रश नहीं लगता, उसमें से पहले ही कोटिंग होके आती है कार में। तो ये सब चीजों की आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए, तो आप इन सर्विस एडवाइजर्स को अच्छे से टैकल कर पाएंगे, ताकि अननेसेसरी का बिल आपका बनने से बचे। बात कर लेते हैं इसकी ओरिजिनल सर्विस कॉस्ट की। ओरिजिनल जो इसकी सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी एट अ हायर एंड है, मतलब ये है जैसे जो अगर आप मारुति कंपनी से कंपेयर करेंगे, जहां इसकी राइवल जो है मारुति स्विफ्ट डिजायर ही है, तो उसमें सर्विसिंग कॉस्ट थोड़ी कम है। ये नेचुरल सी बात है, होंडा का ब्रांड है, इसमें थोड़ी सर्विसिंग कॉस्ट ज्यादा है। अगर आपको मारुति के ब्रांड में स्विफ्ट डिजायर की बात कर लें तो 4-5-6-7 हजार में आराम से सर्विसिंग हो जाती है, वहीं इसमें अगर बात करें तो थोड़ा 2-3 हजार रुपए हायर साइड पे होगी वो सर्विस, इसमें कोई शक नहीं है। अगर दोस्तों इसके फाइनल एक ओपिनियन की बात कर लें कि कौन से लोगों को इसको प्रेफर करना चाहिए और कौन से लोगों को इसको प्रेफर नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आप इसको लें। होंडा का ब्रांड है, सर्विस में तो आपको कभी कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको एक एग्जीक्यूटिव कार चाहिए कि आप आराम से पीछे बैठे इसको ड्राइवर चलाए, तो ये कार आपके लिए दोस्तों बेस्ट है। और माइलेज इसकी ठीक है, ओके है, 12-13 की माइलेज कोई बुरी माइलेज नहीं कह सकते हैं सेडान कार में। सर्विसिंग कॉस्ट भी ठीक है इसकी, कोई ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सर्विस से आपको अगर 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाईवे पे स्टेबल कार है, होंडा का ट्रस्ट है। दोस्तों अगर ड्राइविंग की बात करी जाए कि अगर आपको ड्राइविंग बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ये कार मत लीजिए, क्योंकि इसमें ड्राइविंग का एंजॉयमेंट उतना ज्यादा अच्छा नहीं आता है। इसमें आपको पीछे ही बैठ के बहुत अच्छा लगेगा, जो कि मैं जनरली इसमें पीछे ही बैठ के ट्रैवल करता हूँ ड्राइवर के साथ में, मगर इसमें मुझे एंजॉयमेंट कार चलाने में नहीं आता है। दोस्तों इस कार को मैं एक प्रॉपर एग्जीक्यूटिव कार का नाम देना चाहता हूँ। ये प्रॉपर एग्जीक्यूटिव कार है, पीछे बैठी है, आप आराम से एंजॉय करते हुए ड्राइवर के साथ में, ड्राइवर आगे कार चलाएगा, आप आराम से पीछे बैठ के लुत्फ़ उठाते हुए कार में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने नाम दिया है दोस्तों प्रॉपर एग्जीक्यूटिव कार। बाकी अगर दोस्तों यही मेरा रिव्यू था होंडा अमेज के बारे में, अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना जरूर याद रखें, और हम आपके साथ में कल मिलते हैं एक दूसरी कार के रिव्यू के साथ, जो कि होगा दोस्तों फॉर्च्यूनर 4x2 मैनुअल ट्रांसमिशन। तो दोस्तों देखना ना भूलिएगा।